आपके भाई को आयल सनी देओल सर की तरफ से दिल दानी मारा जरा सिद्धू मूसे गट्टू बहन चल रही है इंडियन गट्टू इंडियन गट्टू इंडियन गट्टू इसकी हेलमेट में शीशा ही नहीं है सो हे गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल और होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारे साथ है वासु भाई और हीरो, ठीक है? बस ठीक, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस तो आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मुझे और वासु को मतलब हमारे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। और मतलब वासु का हाल तो मतलब ऐसा था कि मतलब लास्ट टाइम पे लास्ट लिस्ट में वासु का नाम आया है ना कोर्स में, नहीं तो भाई वासु की एडमिशन गई थी और मेरा जो मतलब प्रेफरेंस गलत हो गई थी ना फॉर्म भरने में, मतलब उसके चक्कर में मेरी एडमिशन अटकी पड़ी थी। फर्स्ट लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं आया था, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने सारा केस आपको बताया हुआ। तो मतलब कल सेकंड लिस्ट में नाम आ गया और भाई हमने ना मतलब माता रानी से मन्नत मांगी थी कि प्लीज़ हमारी एडमिशन करवा दो, है ना वासु? और माता रानी की लीला ना मतलब अपरंपार है, हमें मिल गई एडमिशन, है ना वासु? लास्ट टाइम में मिली है गाइस, लास्ट मोमेंट में। अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन, बावे अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं, है ना वासु? तो चलो निकलते हैं। और गाइस आज हम आपको ना जम्मू की फेमस काइट मार्केट पक्का डंगा भी दिखाने जा रहे हैं। और मतलब आप सबको पता होगा कि दो तीन दिन में मतलब रक्षाबंधन भी आने वाला है और हमारे जम्मू में बहुत सारी काइट छूटती है रक्षाबंधन में, तो हम आज आपको काइट मार्केट भी दिखाएंगे। तो अभी चलो निकलते हैं फटफट से। चलो वासु जी फिर गाइस आप सब कहते हो ना हम हेलमेट नहीं डालते, हम फुल सेफ्टी का रखते हैं, आसपास जाना होता है फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है ना? इसकी हेलमेट में शीशा ही नहीं है। चलो पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, है ना वासु? जोर से बोलो। चलो तो भी हमने प्रसाद ले लिया, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, जूते इधर जमा करा रहे हैं। चलो अब हम मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। ठीक है, जय माता दी। चलो अभी हम दर्शन करके आगे अब हम जाएंगे वासु जी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, है ना वासु? कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने फिर हम जाएंगे सीधा पक्के डंगे आपको काइट मार्केट दिखाने। चलो चलते हैं। चलो हो गए हमारे दर्शन। वासु किधर है स्कूटी? चल भैया दो कुलचे कर दो टिक्की वाले। तो भाई लोगों तो अभी हम खा रहे हैं कुलचा। वासु कैसा? अच्छा, खाया नहीं अभी, तो पहले कैसे बता दिया? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खाते हैं। आए हाय, वासु के कुछ विशेष गुण देख के मुझे लग रहा है कि इसे ही कैमरामैन रखना चाहिए। चलो चलो, फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो चलो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, अब हम जा रहे हैं आपको काइट मार्केट दिखाने जम्मू की पक्के डंगे। भाई लोगों भी जैसे कि हम पक्के डंगे आ चुके हैं और वहाँ की मतलब सबसे बेस्ट शॉप में आए हैं, जहाँ पे मतलब हम हर बार आते हैं, हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है भैया की, है ना भैया? हाँ जी बिल्कुल। और इस बार आया कोई नया सामान? इस बार हमारे पास नई नई आइटम्स आई हैं काफी। ये देखो कॉटन थ्रेड गट्टू आया हुआ है। अभी तो गट्टू बैन चल रहे हैं ना भैया? गट्टू बैन चल रही है, इंडियन गट्टू है। इंडियन गट्टू है? इंडियन गट्टू है, कॉटन थ्रेड है। अच्छा, बट ये इसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ है। रबर चढ़ा हुआ शीशी में रबर मिक्स किया हुआ है। अच्छा, ताकि पहले होता था टूटी नहीं थी दो लोगों की। हाँ जी, गला कट जाता है, पक्षियों की प्रॉब्लम थी जी। इसमें ये है कि टूट जाती है, वो नहीं है कि टूटेगी नहीं। अच्छा, प्लास्टिक नहीं है। सही है, इसमें सामान भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है आपका। बहुत सामान आया भैया, दूसरी दुकान देखी है ना? इस बार तो बड़ा नेक्स्ट लेवल लग रहा है, टूटी लग रही है, लड़के लगे हैं हमारे। सही किया भैया इसका। ये 6 फीट है? ये 6 तावा भाई साहब, 3 तावा दूसरा तीसरा सब है अभी हमारे जी। भैया एड्रेस तो बताओ अपनी शॉप का। ये हमारा है पक्का डंगा दीवाना मंदिर के सामने। तो अभी हमारे वासु जी ले रहे हैं अपने लिए कुछ काइट्स, ये रखवाई है उन्होंने। दिल दानी माड़ा जरा सिद्धू मूसे वाला, ठीक है? वासु होगी तेरी शॉपिंग रक्षाबंधन की, मतलब वासु ने एक से बढ़ के एक काइट ली है। तो आप सब भी अगर लेना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पर, ये कुछ शॉप की लोकेशन है। पहुँच गए हम घर पे फाइनली, मतलब रास्ते में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि वासु की काइट्स पकड़ी थी, एक काइट को भी शहीद नहीं करना चाहते थे हम, है ना वासु? चलो अब चलते हैं घर फिर।
बहुत देर से घूम आए हैं, दर्शन भी कर लिए माता रानी के, पक्के डंगे भी चले गए, काइट मार्केट भी दिखा दी। कुछ रहता तो नहीं है ना वहाँ से? चल चले चलते बाद में। भाई लोगों, अभी जैसे कि हम घर पे पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शन करके और आपको पक्का डंगा दिखा के, तो वो भी मतलब आपके भाई ने बनाए थे घर पे मोमो, मतलब मैंने खुद बनाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे बने हैं कुछ, मतलब पूरी परफेक्ट शेप, पूरी सेम चटनी जैसी बाहर आपको मिलती है सेम मैंने वैसे बनाए, और भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। आपका भाई मतलब मोमो भी बना लेता है, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं सब कुछ बना लेता हूँ। तो आपको मैं अभी एक बार चेक करा के दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो भाई सॉफ्ट कितने, वो स्टफिंग भी चेक करो, सेम मतलब भाई आउटडोर वाली है। तो भाई बनाते हैं एक बाइट। भाई नेक्स्ट लेवल, उसमें 19 की कमी है, बाकी सेम टू सेम है। The next day. तो गाइस, तो अभी जो आपने पार्सल देखा वो आपके भाई को आया जी स्टूडियोज की तरफ से, मतलब सनी देओल सर की तरफ से। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी एक गदर टूम भी आई थी सर की, तो उनके गाने के ऊपर आपके भाई ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब जो कैंपेन आपका भाई जीत चुका था, तो उसके लिए आपसे मतलब प्राइज मिला है। और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी मर्च है, इसमें कोई टी शर्ट होगी जिसके ऊपर गदर की ब्रांडिंग होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। इसे अनबॉक्स करके देखते हैं, इतना सा कुछ पार्सल है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है जी स्टूडियोज की तरफ से, तो देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। तो गाइस, ये कुछ टी शर्ट के लिए लार्ज है, तो कह रहे मेरी साइज की लिए पैंट भी सकते हैं। तो भाई ये ऐसी कुछ टी शर्ट है भाई साहब, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद फॉरएवर, भारत माता की जय। तो गाइस ये देखो, ये टी शर्ट मिली है हमें कुछ, तो एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरी गदर की टीम को जिन्होंने, और जी स्टूडियोज को स्पेशली जिन्होंने हमें ये भेजा, तो दिल से थैंक यू सो मच। और इसे मैं आपको एक बार पहन के भी दिखाऊंगा, पूरी फिट है। गाइज, हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए नहीं सनी देओल सर के लिए लाइक कर देना। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।